बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा ऑफ लेफ्ट हैंड हैंड एंड राइट लिमिट अभी तक क्या कर रहे थे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि फंक्शन लेते थे जैसे ये हमने फंक्शन लिया उसके बाद क्या करते थे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते थे उसके बाद उसका लिमिट निकालते थे यही कर रहे थे ना अभी तक बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि जितने भी फंक्शन है देखो किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना तो पॉसिबल है कुछ ऐसे एक्सेप्शन है मतलब जिसमें फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते वो बहुत आगे की बात हो गई बट हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग टाइम बिंग या फिर ऐसे ही तुम बोल लो कि सारे फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करना अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे एक दूसरा वे आउट खोजेंगे दूसरा वे आउट खोजने का मतलब कि हम लोग एलजेब्रिक मेथड से फंक्शन का बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए लिमिट निकालेंगे तो वही एलजेब्रिक मेथड बता रहा हूं एलजेब्रिक मेथड जिससे हमें फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए हम लोग क्या कर सकते हैं फंक्शन का लिमिट निकाल सकते हैं सुनना ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा अगर मैं ऐसे लिखता हूं ए माइनस एफ एक्स अगर मैं इसको लिख लेता हूं वन इसका क्या मतलब है ठीक है इसका यह मतलब है कि यह क्या हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज टू ए Is L1. है ना और मैं अगर लिखता हूं लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एल टू इसका क्या मतलब है राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए इज एल टू तो इसका मतलब इसका और इसका एग्जैक्ट क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ कि एक्स हमारा क्या है एक्स इज़ अ नंबर इसको हम क्या बोलेंगे एक्स इज अ नंबर विच इज़ वेरी क्लोज टू ए बट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए तो इसको क्या हम एक्स इज अप्रोचिंग टू ए माइनस को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ कि एक्स हमारा कैसा नंबर है जो ए के लेफ्ट हैंड साइड पर और ए के बहुत क्लोज है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो एक्स को मैं क्या करूँ एक्स को मैं ऐसे लिख दूँ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच लिख दू एंड एच को मैं बोल दू पॉजिटिव है एंड एच इज अप्रोचिंग टूअर्ड्स जीरो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स को मैं क्या लिखू ए माइनस एच लिखू ठीक है और एक्स को मैं बोल दू पॉजिटिव नंबर है और ये जीरो को टेंस कर रहा है एच भी पॉजिटिव है मतलब एच का वैल्यू कैसा हो सकता है एच का वैल्यू लाइक जीरो पॉइंट जीरो वन हो सकता है एच का वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो 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 वन इस टाइप का नंबर हो सकता है एच का ठीक है और एच हमारा क्या है बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है और ए, क्या कर रहा है जीरो को अप्रोच कर रहा है तो एक्स जो होगा किस को अप्रोच करेगा ए को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा यही मतलब हुआ ना और अगर मैंने लिखा एक्स इज अप्रोचिंग टूअर्ड्स a प्लस इसका क्या मतलब हुआ x इज इक्वल्स टू ए प्लस एच ठीक है वेयर यहां पे लिख लो वेर अगेन एच इज पॉजिटिव एंड एच टेंडिंग टूअर्ड जीरो ये मतलब हुआ इसका क्या मतलब है कि अगेन एच हमारा किस टाइप का नंबर हो गया जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन फिर जीरो पॉइंट ऐसे ले लो इस टाइप का एच हमारा नंबर है अब अगर एच ए में तुम इस इतने छोटे नंबर को ऐड करोगे तो क्या होगा वो एक्स क्या होगा ए के क्लोज तो होगा बट ए से राइट हैंड साइड होगा और इस टाइप के छोटे नंबर को अगर तुम ए A में सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो फिर क्या होगा एक्स क्या होगा ए के क्लोज होगा और ए से लेफ्ट हैंड साइड पे होगा ठीक है ये आगे बात समझ में अब क्या है कि अब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ देखना ध्यान से अगर मैं ऐसे लिखता हूँ लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवार्ड्स ए माइनस एफ एक्स हमें ये निकालना है ठीक है एक तो हो गया कि अगर हमें हमने फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ कर दिया तब तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं बस तो हमें अगर ग्राफ ड्रॉ हो गया तब तो लिमिट दिखने लगता है बिना ग्राफ के लिए हम इसको क्या लिख सकते ऐसे एच कर दे और फंक्शन में एक्स की जगह ए माइनस एच पुट कर दे तो इसका लिमिट और इसका लिमिट सेम आएगा याद रखना ये इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट पहली बात फिर अगर मुझे ऐसे लिखना हो राइट हैंड लिमिट ए पर चाहिए तो हम क्या करें लिमिट अगेन एच को टेंट कर दे जीरो और एफ को हम क्या लिख ले ए प्लस एच लिख दे ये भी याद रखना है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा करने पर वेयर यहां पे हम क्या लिख दें वेयर एच इज ग्रेटर देन जीरो एंड एच टेंडिंग टू आर जीरो टेंडिंग टू आर जीरो तो यहीं पे दिख रहा हमें और हमने क्या बोल दिया पॉजिटिव भी है तो हमें ये याद रखना है ठीक है ये याद रखना है बहुत सारे बुक में क्या बोलते हैं कि बहुत सारे बुक में ऐसे लिखते हैं लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टूवर्ड्स ए ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए बता दिया लिमिट अगर हमें पता है कि, कि किसी फंक्शन का लिमिट ए पर एग्जिस्ट करता है बात को सुनना बड़े ध्यान से अगर हमें पता है कि किसी फंक्शन का ए पर लिमिट एग्जिस्ट करता है चलो मैं लिख देता हूं इफ वी नो ऐसे लिख देता हूं इफ वी नो डेट लिमिट ऑफ द फंक्शन अटैक्स इज इक्वल टू ए एक्सिस्ट हमें पता चल गया ए पर लिमिट एक्जिस्ट करता है तो इसका क्या मतलब हुआ उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा इक्वल होगा तो या तो हम दो काम कर सकते हैं या तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ले राइट हैंड लिमिट छोड़ दे बिकॉज लेफ्ट और अगर मुझे बोले कि ए पर लिमिट एग्जिस्ट करता और लिमिट निकालो क्या है तो या तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ले या तो राइट हैंड लिमिट निकाल ले दोनों काम कर सकते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल होगा या तो हम बिना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाले भी हम लोग डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं कैसे वो बता रहा हूं लिमिट एक्स एजेंडिंग टुअर्ड्स ए एफ एक्स ये इसमें तो दोनों आ गया ना लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया राइट हैंड लिमिट भी आ गया इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स एजेंडिंग टुअर्ड्स ए सॉरी लिमिट एच इज टेंडिंग टूअर्ड जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच मेरी बात आ रही समझ में इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं अलग अलग निकलेगा इकट्ठे लिमिट आ जाएगा इस रिजल्ट से ठीक है इससे डायरेक्ट हमें लिमिट निकल जाएगा इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस यहां पे एच क्या कर रहा है जीरो को टेंस कर रहा है ठीक है मेरी बात आ रही है, समझ में एच क्या कर रहा है जीरो को टेंस कर रहा है क्या मैं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि इस फॉर्मूले से हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकलेगा इस फॉर्मूले से डायरेक्ट लिमिट निकल जाएगा बस एच जीरो को टेंस कर रहा है अब जीरो को लेफ्ट से टेंस करा लो या राइट right से टेंस करा लो ये क्या होगा किसी से भी टेंस करा लो एक ही लिमिट आएगा ठीक है इस इसी फॉर्मूले से तुम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हो अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए ना अटैक्स इज इक्वल टू ए पर तो देन क्या करो तुम एच तो जीरो टेंस करा दो और यहां पे एंड एच को तुम क्या लिख दो अगर एच जीरो करा दो एंड एच इज लेस देन जीरोटिव तो फिर तुम एच को तुम क्या लिखोगे एच को तुम लिख दोगे यहां पे माइनस एच या एच को माइनस एच लिखने से अच्छा एच को रिप्लेस कर दो किससे माइनस एच से एच को तो जीरो टेंस है ही कर रहा है यहां पे जीरो तो टेंस कर रहा है बट अब इस बार एच निगेटिव है ठीक है एच निगेटिव है तो फिर एच को रिप्लेस किससे कर दो माइनस एच से ठीक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो तुम चाहो तो एक मिनट के लिए इसको छोड़ भी सकते हो तुम करो क्या इसको एक मिनट रहने दो आगे मैं इसको बताऊँगा दोबारा आएंगे हम लोग इस पर घूम के आगे बताऊँगा अभी पहले कुछ क्वेश्चन कर लो उसके बाद मैं इस पर दोबारा आऊँगा घूम के बताऊँगा इसको अभी कन्फ्यूज़ कर जाओगे अभी क्या करना है एक तो ये याद रखिए आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट आप याद रखिए दूसरा ये रिजल्ट आप याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तीसरा ये रिजल्ट आप याद रखिए ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ना ये तीन रिजल्ट याद रखना है इससे क्या होगा इससे क्या होगा डायरेक्ट लिमिट निकल जाएगा इससे क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा इससे क्या होगा राइट हैंड लिमिट निकलेगा ये याद रखना है ठीक है अब ये क्या है वो अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं जैसे एक एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे देखो देखो तो क्या बोला है वैल्यूट द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इस फंक्शन का हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालना है एक तो इस फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल है बहुत इजी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं दूसरा क्या है कि बिना ग्राफ ड्रॉ किए अब देखो मैं एल मेथड से कैसे निकालूंगा ठीक है हमें क्या चाहिए लिमिट एक्स इजेंडिंग टूअर्ड्स किस पर निकालना है 4 पर. 4 fx. तो यहां पर मैं इसको क्या लिखूंगा लिमिट एच इजेंडिंग टूअर्ड्स जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच ए का काम कर रहा है फोर तो फोर माइनस एच वेर यहां पर हम ध्यान रखेंगे वेयर एच इज़ ग्रेटर दैन जीरो एंड एच इज़ टेंडिंग टूआ्स जीरो एंड एच इज़ ग्रेटर दैन जीरो ये ध्यान में रखेंगे अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूअार्ड्स फोर माइनस एक बार एफ एक्स लिखा तो ये किसके इक्वल हो गया लिमिट एच इजेंडिंग टूआर्ड्स ज़ीरो एफ ऑफ फोर माइनस एच अब बताओ ये फंक्शन को देखो ये फंक्शन सिर्फ फोर पर वैल्यू क्या ले रहा है ज़ीरो ले रहा है लेस देन फोर और ग्रेटर देन फोर के लिए क्या है ये वाला डिफाइंड है मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर तो एफ ऑफ फोर माइनस एच ऐसा नंबर है लेस देन फोर है ना तो इसके लिए तुम क्या लिखोगे यहाँ पे लिमिट एच इज़ टेंडिंग टूअर्ड ज़ीरो और यहाँ पे एक्स की जगह क्या डालोगे फोर माइनस एच तो यहाँ एक्स की जगह क्या डालेंगे मॉड में फोर माइनस एच माइनस फोर अपॉन या एक्स की जगह डालेंगे फोर माइनस एच माइनस फोर ऐसे डाल दिए तो ये क्या हो गया लिमिट एच इजेंडिंग टूअर्ड जीरो ये फोर और ये फोर कैंसिल तो मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन ये फोर माइनस एच तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एच इजेंडिंग टूअर्ड जीरो मॉड के अंदर ये एच तो पॉजिटिव है यहां पे लिखा हुआ एच पॉजिटिव है मॉड के अंदर माइनस एच क्या निगेटिव है तो इसको पहले तो ऐसे लिख दिया मॉड एच अपॉन माइनस एच लिमिट एच इजेंडिंग टूअर्ट जीरो अब ये एच तो पॉजिटिव है तो सीधे मॉड हट जाएगा एच अपॉन माइनस एच तो क्या हो गया लिमिट एच इजेंडिंग टूअर्स जीरो अब यहाँ पे कुछ रखने लायक तो है ही नहीं ये तो कैंसिल होकर माइनस वन आ गया तो इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन हो गया ठीक है अब हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट फोर पर फोर प्लस पर एफ एक्स का तो ये क्या होगा लिमिट एच इस टेंडिंग टूअर्स जीरो एफ ऑफ फोर प्लस एच लिखा तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एच इजेंडिंग टूअर्स ज़ीरो फंक्शन में फोर प्लस मतलब फोर से ग्रेटर है तो ये वाला चीज़ तो सिर्फ फोर पर डिफाइंड है ना तो फोर से चाहे ग्रेटर हो फोर से स्मॉलर हो उसके लिए तो यही फंक्शन डिफाइंड है तो यहाँ पे क्या मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स की जगह क्या डालेंगे फोर प्लस एच माइनस फोर अपॉन फोर प्लस एच माइनस फोर ठीक है तो हमें क्या मिल गया लिमिट एच स्टैंडिंग टूअर्ड ज़ीरो ये फोर ये फोर कैंसिल तो मॉड ऑफ एच अपॉन ये फोर एच एच तो हमारा पॉजिटिव है तो ये मॉड हट जाएगा तो क्या हो जाएगा लिमिट एच इजेंडिंग टूअर्ड ज़ीरोच अपॉन एच ये तो वन हो जाएगा तो ये हो जाएगा लिमिट एच इजेंडिंग टूअर्स ज़ीरो वन तो इसका वैल्यू मिल गया वन कुछ एच है ही नहीं बचा ही नहीं जिसको हम जीरो की ओर टेंस कराएं तो इसका लिमिट क्या आ गया वन यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूअर्ड्स फोर माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूअर्ड्स फोर प्लस एफ एक्स दिस लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूअर्ड्स फोर एफ एक्स नॉट एग्जिस्ट ये एग्जिस्ट ही नहीं किया लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं किया ये आगे बात समझ में लेफ्ट हैंड लिमिट और अब चाहो तो तुम इस फंक्शन का ग्राफ भी ड्रा कर सकते हो चलो मैं एक बार करके ही दिखा देता हूँ ग्राफ ड्रॉ आसान हो जाएगा एक बार ना मैं फंक्शन का बट सारे फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना पॉसिबल नहीं है इस बात को ध्यान में रखेंगे इसीलिए हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं अगर सारे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते तब तो हमें कोई प्रॉब्लम ही टेंशन ही नहीं होती तब तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती चलो इस फंक्शन का मैं यहाँ पे इस फंक्शन को दोबारा ले लेता हूं और इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं ये हमारा फंक्शन क्या है ये फंक्शन है इसको हटा देते ठीक है ना इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसे हम लोग पहले क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ एक्स क्या हो जाएगा इसको हमने बोला मॉड हटा दिया एक्स माइनस फोर कर दिया अपॉन एक्स माइनस फोर मॉड हटाया तो यहाँ पे हमने क्या बोला बट एक्स क्या होगा अब देखो एक्स फोर के इक्वल नहीं है तो एक्स या तो क्या होगा फोर से बड़ा हो गया तो फोर से छोटा होगा तो यहाँ से हमने बोला एक्स जो होगा माइनस फोर मॉड हटाया तो क्या किया हमने एक्स माइनस फोर को ग्रेटर देन ज़ीरो बोल दिया फिर हमने क्या बोला ज़ीरो पर क्या है एक्स इज़ इक्वल्स टू फोर पर क्या है ज़ीरो फिर हमने क्या बोला कि मॉड हटाने से पहले एक माइनस मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन एक्स माइनस फोर तो इस केस में क्या बोलेंगे हम कि एक्स माइनस फोर लेस देन ज़ीरो होगा तो ये हमें फाइनल क्या मिल गया फंक्शन एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर कैंसिल होके वन आ गया कब हुआ वैन एक्स इज़ ग्रेटर देन फोर और ये क्या हुआ जीरो वेन एक्स इज इक्वल्स टू फोर और क्या हुआ माइनस वन कब वेन एक्स इज लेस देन फोर ऐसे मिल गया ठीक है ना तो फाइनली हमें मिल गया अब देखो फंक्शन का कर्व जीरो पे क्या है भाई फोर पर क्या है ये अगर फोर है तो फोर पर फंक्शन का वैल्यू जीरो है ठीक है तो फोर पर फंक्शन का वैल्यू क्या है जीरो है। और ग्रेटर देन फोर के लिए वन है तो हमें क्या करना होगा यहां पे ऐसे होल और ये ग्राफ ऐसे फिर इसके क्रॉसबॉन्डिंग यहां पे होल और ये ग्राफ ऐसे ये ग्राफ बनाना ये y इज इक्वल्स टू वन है और ये y इज इक्वल्स टू माइनस वन है ये ऑरिजिन ये हो गया हमारा x एक्सेस और ये हो गया हमारा y एक्सेस ठीक है ना? और ये पॉइंट क्या हो गया हमारा ये पॉइंट हो गया हमारा जीरो कॉमा वन आ गई होगी बात समझ में अब तुम बताओ ये हमारा पॉइंट फोर है अब अगर तुम एक्स का अप्रोच कराओगे फोर की ओर फ्रॉम द राइट हैंड साइड यहाँ पे जैसे ले जाओगे तो वाई का वैल्यू क्या आ रहा है वन ही तो आ रहा है इसी ग्राफ पे तो राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है वन देख लो राइट हैंड लिमिट फंक्शन का क्या आ रहा है यही है ना राइट हैंड लिमिट वन आ रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा अगर तुम फोर को लेफ्ट से अप्रोच कराओगे तो क्या होगा माइनस वन आ रहा है देख लो माइनस वन आ रहा है यहाँ पे देख लो माइनस वन आ रहा है ना लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का ठीक है यहाँ तक बात क्लियर है तो इसका ग्राफ इजी था तो मैंने ग्राफ से भी बता दिया एल्जेब्रिक भी बता दिया बट मैंने क्या बोला कि सारे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है इसीलिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऐसे इवेलुएट करते हैं अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या बोल रहा है इवेलुएट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाई इस फंक्शन का हमें क्या करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है तो पहले फंक्शन देख लो क्या है फंक्शन बोल रहा है कि वाई जो है किसके इक्वल है वन प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा कब जब x जीरो से वन के बीच में हो इंक्लूडिंग जीरो इंक्लूडिंग वन और फिर क्या बोल रहा है कि फंक्शन y का वैल्यू किसके इक्वल होगा टू माइनस एक्स के इक्वल होगा कब जब x का वैल्यू ग्रेटर देन वन हो ठीक है तो वन पे बोल रहा है क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालो ठीक है यहाँ तक आ रही है बात समझ में अब समझने लायक इसमें क्या है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है सोल्यूशन करता हूँ डोमेन क्या फंक्शन का देखो जीरो से वन और ग्रेटर देन वन तो सो डोमेन हो गया जीरो टू इंफिनिटी रेंज क्या है तो रेंज निकालना पड़ेगा ठीक है तो एक तो इस फंक्शन का भी ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं ये भी ज्यादा टफ नहीं है रेंज भी निकाल सकते हैं बट अभी हमारा काम डोमेन और रेंज निकालना नहीं है अभी हमारा काम है वन पर लिमिट निकालना रेंज भी निकल जाएगा ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिना ग्राफ ड्रॉ के भी रेंज निकल जाएगा बट टाइम बिंग अभी हम लोग वन पर लिमिट निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो ऐसे लिखता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू वन वन पर लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये क्या होगा ये होगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूआ्स वन माइनस एफ एक्स इसको हम क्या बोलेंगे लिमिट एक्स एच इजेंडिंग टूआर्ड ज़ीरो एच इजेंडिंग टूआर्स जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एच इजेंडिंग टूअर्ड जो वन माइनस एच एच क्या हमारा H हमारा ग्रेटर दैन जीरो टूअर्ड्स जीरो है एच तो पॉजिटिव है तो वन माइनस एच क्या होगा वन से छोटा तो वन से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन है वन प्लस एक्स स्क्वायर डिफाइंड है ना बिकॉज ये जीरो से वन के लिए है डिफाइंड है तो कहाँ डालेंगे इसमें डालेंगे हम लोग क्या डालेंगे इसमें इसमें डालेंगे वन माइनस एच तो क्या करेंगे वन प्लस एक्स की जगह क्या डालेंगे वन माइनस एच का होल स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा हमारा लिमिट एच ए स्टैंडिंग टूअर्ड जीरो वन प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया तो वन माइनस टू एच प्लस ऑफ एच स्क्वायर तो ये क्या हो गया लिमिट एच टुवर्ड्स स्टैंडिंग टूअर्ड जीरो हो गया टू माइनस टू एच प्लस एच स्क्वायर अब मेरी बात को सुनना बड़े ध्यान से बिल्कुल कान खोल के ध्यान से सुनना एक तो इसमें हम एलजेब्रा ऑफ लिमिट भी लगा सकते हैं जो कि मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा ठीक है बट अब एक बात को ध्यान से सुनो। एच कैसा नंबर है ये क्या बोल रहा है इसको ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से सुनना कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे ये कैसा नंबर है इसको मैं अलग से लिखता हूँ टू माइनस टू प्लस एच टू माइनस चलो टू माइनस टू एच प्लस ऑफ एच स्क्वायर अब मैंने बोल दिया कि एच जो है ये जीरो को अप्रोच कर रहा है और एच क्या हमारा पॉजिटिव भी है ठीक है तो ये कैसा नंबर होगा ये एक बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर होगा ठीक है बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर होगा अगर एच जीरो को अप्रोच कर रहा है ठीक है ये कैसा नंबर होगा एक बहुत छोटा निगेटिव नंबर होगा ठीक है इस दोनों को ऐड करोगे तो या तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव भी आ सकता है निगेटिव भी आ सकता है ठीक है बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव निगेटिव इंपॉर्टेंट नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस दोनों का जो सम होगा ना इस दोनों का सम ये जो ऐसे मैंने लिखा ना टू प्लस माइनस टू एच प्लस एच स्क्वायर इन दोनों का जो सम होगा ना ये, सम। ये जो चीज है ये कैसा नंबर होगा ये या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या तो निगेटिव भी हो सकता है ये क्या भी हो सकता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है बट इन दोनों का जो सम होगा पॉजिटिव निगेटिव का चक्कर नहीं है बट इनका जो सम होगा ना ये जो नंबर है ये जो नंबर है ये बहुत ही छोटा नंबर होगा बहुत छोटा तुम्हारे कल्पना से भी छोटा इतना छोटा नंबर है तो इतने छोटे नंबर को मैं टू में ऐड कर रहा हूं चाहे पॉजिटिव ना मान लो कि ये पॉजिटिव आ गया तो टू में ऐड होगा तो टू से थोड़ा बड़ा होगा ठीक है अगर टू में सब्ट्रैक्ट होगा ये नेगेटिव नंबर आ गया तो फिर टू में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो टू से थोड़ा छोटा होगा बेट बट ये नंबर जो है ये नंबर किसके क्लोज होगा होगा तो टू के ही क्लोज ना मेरी बात आ रही समझ में ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा ये नंबर चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो अगर पॉजिटिव है तो टू प्लस बहुत छोटा नंबर तो होगा तो टू के क्लोज अगर ये नेगेटिव है तो टू माइनस बहुत छोटा नंबर तो होगा तो टू के क्लोज तो ऑन द होल ये पूरा नंबर किसके क्लोज है अगर ये पॉजिटिव है तो टू से बड़ा है बट टू के बहुत क्लोज है अगर ये नंबर निगेटिव है तो टू से छोटा है बट टू के बहुत क्लोज है तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा इसका इस फंक्शन का यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा टू हो जाएगा तो इसी बात को हम ऐसे बोलते हैं इसी बात को हम ऐसे बोलते हैं कि ये एच ज़ीरो को जो टेंस कर रहा है ना तो तुम यहाँ पे और यहाँ पे एच का वैल्यू ही जीरो पुट कर दो तो सीधे टू आ जाएगा लिमिट जीरो को जो टेंस कर रहा है ना तो तुम एच का वैल्यू क्या कर दो डायरेक्ट टू ही पुट कर दो ये सॉरी जीरो पुट कर दो तो टू ये टू लिमिट आ जाएगा फिर से एक बार बोल रहा हूं ये नंबर चाहे ये पूरा नंबर पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो ऑन द होल ये पूरा नंबर टू के क्लोज होगा अब टू के राइट हैंड साइड मतलब टू से बड़ा भी हो सकता है और टू के क्लोज हो सकता है और टू से छोटा भी हो सकता है और टू के क्लोज हो सकता है तो ऑन द होल ये जो नंबर है किसके क्लोज है टू के क्लोज है तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा टू इसी बात को हम ऐसे बोलेंगे कि यहां पे दो जगह एच दिख रहा है ना इस दोनों जगह एच में हम जीरो पुट ही कर दे तो डायरेक्टली लिमिट आ जाएगा तो हम यहां पे एक्चुअल में जीरो पुट करेंगे और जो नंबर बचेगा इसका लिमिट आ जाएगा ठीक है आगे बात समझ में अब राइट हैंड लिमिट निकालते राइट हैंड लिमिट अटैक्स इज इक्वल टू टू इसको हम क्या बोलेंगे लिमिट एच स्टैंडिंग टूअर्स राइट हैंड लिमिट टू पे क्या हो जाएगा टू ही पे बोल रहे हैं ना वन पर वन पर बोल रहा है इसको हम क्या बोलेंगे लिमिट एच स्टैंडिंग टूअर्ड्स एच की जगह पहले लिखते हैं एक्स इजेंडिंग टूअर्ड्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स इसको हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो लिमिट एच इज टू आर्ट जीरो ऑफ प्लस ऐसे लिखा अब ये क्या हो जाएगा यहां पे लिखता हूं लिमिट एच इज जीरो फंक्शन में प्लस प्लस ये कैसा नंबर होगा तो हमारा पॉजिटिव है एच तो पॉजिटिव है तो वन प्लस एच कैसा नंबर होगा वन से थोड़ा बड़ा तो वन से थोड़े बड़े के लिए कौन सा फंक्शन यूज हो जाएगा ये फंक्शन यूज हो जाएगा ग्रेटर देन वन के लिए ये यूज है ना ये तो जीरो से वन के बीच में है तो वन से छोटे के लिए फंक्शन यूज होगा ठीक है वन से अगर ग्रेटर है थोड़ा भी ग्रेटर है तो टू माइनस एक्स यूज होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक्स की जगह क्या डालेंगे ए, वन प्लस एच तो टू माइनस एक्स है ना तो टू माइनस एक्स की जगह क्या डालेंगे वन प्लस एच तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एच इजेंडिंग टू आर ज़ीरो टू माइनस वन वन माइनस एच अब मेरी बात को सुनो फिर ध्यान से एच क्या है बार बार बोल रहा हूँ पॉजिटिव है एच तो ये जो नंबर दिख रहा है ये कैसा नंबर है ये नंबर वन के बहुत क्लोज है अब यहां पे तो हमें हंड्रेड परसेंट हो गया कि ये जो नंबर है वन माइनस एच जो है ये नंबर वन से छोटा है बट वन के क्लोज है बिकॉज वन में से पॉजिटिव बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर अपट्रैक्ट हो रहा है तो ये वन माइनस एच कहाँ होगा ये वन है ना वन माइनस एच समथिंग यहाँ पे होगा यहाँ पे कुछ होगा यहाँ पे वन माइनस एच तो इसका हम लिमिट क्या बोलेंगे वन हो जाएगा तो वन कैसे निकला ये जो एच जीरो को टेंस कर रहा है ना वो एच का वैल्यू यहां डायरेक्ट पुट कर दो जीरो तो वन इसका लिमिट आ जाएगा एच का वैल्यू अगर तुम डायरेक्ट पुट कर दोगे तो सीधे क्या हो जाएगा लिमिट आ जाएगा तो इसका लिमिट क्या मिल गया हमें वन ठीक है लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला टू राइट हैंड लिमिट क्या मिला वन तो यहां से हम क्या बोलेंगे लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 1 माइनस एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स इज एप्रोचिंग टू वन प्लस डज नॉट एग्जिस्ट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा ठीक है आई होप समझ में आ रहा होगा नहीं समझ में आ रहा होगा तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्या करोगे आप अपने डाउट को क्लियर कर लोगे बट इस चैप्टर को मैंने जैसा बोल दिया लाइटली बिल्कुल मत लेना ये जो लिमिट्स है ना बेस बनेगा तुम्हारा कैलकुलस का